क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं। तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग थ्री किए तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग थ्री किया आपने, तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या पता होगा। सलमान जी को मैंने कभी सलमान जी मैं तो ना सलमान जी ने मेरे को धक्का मारा के साथ में पार्टिसिपेट करी थी। बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो सब टीवी आर्टिस्ट थे, तो मैं थी, रजत थे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम जो पहुंचते हैं अपनी लाइफ की कहानी के साथ पहुंचते हैं, ना कि हमने हम इस टीवी सीरियल का फेस है या हम इस फिल्म का फेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज बिग बॉस में पहुंची तो ओनली बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ की कहानी के ऊपर, कि इसकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भैया खुश हूँ, आई एम हैप्पी। भेड़ चाल में चलने की वजह से आप जल्दी घर से बाहर आ गई? नहीं, भेड़ चाल तो मैंने कभी चली नहीं, क्योंकि मैंने कभी इधर की उधर की नहीं। मैं इसके साथ बैठी इसकी सुनी, इसके साथ बैठी इसकी सुनी। अविनाश के पास मैं और चाहत खड़े थे और ये अविनाश ने प्रवोक किया चाहत को। चाहत के दिमाग में नहीं आया ये ब्रिलियंट आइडिया, मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक तो पहले अविनाश दुश्मन था इसका, क्योंकि चाहत पांडे ने ये किया वो किया, लेकिन जब से अविनाश अंदर गया भैया इनकी दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो ये भी क्या मसला है समझ नहीं आया मुझे। और जो वो आ आ कर रही थी, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें चोट चाहत को नहीं लगी थी, चुम को लगी थी। ठीक है, तो वो तो थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा था। अब पता नहीं भैया वो ड्रामा था कि सच था। अरे प्यार से बात कर रही हूँ, ये तो मैं जो है ना आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। मुस्कुराते मुस्कुराते, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन वाली कुछ चीजें शायद नहीं दिखाई गई हैं, मुझे ऐसा मन में है। मैं चाहती थी बिग बॉस में जाना, लेकिन मैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बनी हूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की हेमा, जिसके ना आगे है ना कोई पीछे है, मतलब बच्चे हैं, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेटअप। नॉर्मली सुबह शाम वही नॉर्मल रोटी खाने वाली लड़की अचानक से बिग बॉस के कंटेस्टेंट बन जाती है, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। एक साल के अंदर वो अपने ऊपर इतना मेहनत करती है, ज़मीन से जुड़ के मेहनत करती है। कोई फिल्म भी उसने नहीं किया, कोई टीवी सीरियल भी उसने नहीं किया, बस ज़मीन पर जाके जो लोग ज़मीन पर बैठे उनके साथ बैठ के बातें की और जनता बनी, और देखिए मैं बिग बॉस में पहुंच गई। तो ये भी तो एक अचीवमेंट है ना, कि जो मैंने मेहनत की वो रंग लेकर आई। जिनके साथ में थी, जिनके साथ में पार्टिसिपेट करी थी, या बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो सब टीवी आर्टिस्ट थे, तो मैं थी, रजत थे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम जो पहुंचते हैं अपनी लाइफ की कहानी के साथ पहुंचते हैं, ना कि हमने हम इस टीवी सीरियल का फेस है या हम इस फिल्म का फेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज बिग बॉस में पहुंची तो ओनली बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ की कहानी के ऊपर, कि इसकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भैया खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं वहाँ गई। 12 दिन, एक दिन जाते हैं बिग बॉस के घर में, वो भी झंडा गाड़ते हैं, लिख देते हैं कि भैया एक दिन मैं रह के आया। मैं 12 दिन रह के आई हूँ, एक एक चीजें देखी है, साफ भी करके आई है, टॉयलेट ऐसी बात नहीं है। आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कही थी, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? देखिए ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी, जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको मैं उनको लगाया लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मे की, मे से मेरा जो सफ़र रहा है पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं, मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊँगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग तेरी कर ली हमने और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना है, सम्मान इतना है, और बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है। तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं, हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है।
तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा, फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था। वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग तेरी का, वो किससे का, वो हमने बता दी हकीकत जो हुआ था, उसमें हमारे आँख में ऐसे आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म, मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि उनके बाउंसर ने आपको ले नहीं दिया, हाँ, तो जो अभी आप अंदर थे बिग बॉस में, तो आपने सलमान से बात शेयर किया? हाँ, नहीं की ना, क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं। तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग थ्री किया, तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग थ्री किया आपने, तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या पता होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके साथ, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो ही आपके साथ स्टेज पर हुआ, आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपको लगता है प्रीमियर वाले एपिसोड में आपके साथ जस्टिफाई हुआ, आपने जो बाहर बातें की थी कि सलमान खान आपसे बात नहीं कर रहे, मिले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हमें एज अ व्यूअर हमें नहीं लगा कि आपकी बातों को सुना भी गया है वहां पर, लेकिन आपको क्या लगा हुआ वहां पर आपके साथ जस्टिफाई हुआ स्टेज पर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सलमान जी मेरी जो बातें मैं कह रही थी बराबर सुन रहे थे, इसी चक्कर में तो उन्होंने मेरा मुझे पूछा कि अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है, आप हैं कहाँ से, फिर उन्होंने शादी वाली बात भी मेरी पूरी बराबर से सुनी है, तो उन्होंने पूरा अटेंशन दिया है। बात यहाँ तक की आई है कि आप तो बड़ी सुंदर है, आप कैसे बोलती हैं। तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ था, क्लिप क्या गई है इंट्रोडक्शन में मुझे पता नहीं, वो मैंने देखी भी नहीं है। मैंने उनके साथ डांस भी किया, मतलब मैंने बोले तो उन्होंने मुझे पूछा वायरल भाभी बन के जा रही है, आप वायरल भाभी क्यों है, तो मैंने बताया। अच्छा, अब बात बच्चे की आती है, फैमिली मेम्बर कौन है, कहाँ से हैं आप, सारी बातें आई हैं। अच्छा खासा मेरा इवन मेरी सिंगल एंट्री हुई है, जबकि दो दो लोगों की हुई थी, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अकेले की हुई है। मैंने क्या वायरल भाभी बनके क्या क्या करेंगे, अंदर खाना बनाएंगे तो कैसे करके, करके दिखाइए, मैंने करके दिखाया। झाड़ू लगाएंगे तो कैसे करेंगे, करके दिखाइए। अच्छा, जिम करेंगे साड़ी पहन के तो करके दिखाइए। आई डिड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ, और इवन यहाँ तक भी हुआ कि मैंने बोला कि हाँ, कि मैंने सुना आप लक्ष्मी हैं, आपके पैर लक्ष्मी हैं, मैंने कहा हाँ ऐसा बोलता है, फिर मैंने अपने पापा की स्टोरी सुनाई, ऐसा वो सब बोले, अच्छा ओके, उनको कुछ मान के आप, मैंने सुना आप हेमा मालिनी जी के, आपको पसंद है हेमा मालिनी, आपके कहीं मैंने इंटरव्यू में सुना था, तो मैंने कहा मेरा नाम भी हेमा, सो थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरा ही नाम हेमा रखा, तो बड़े खुश हुए। तो मेरा बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है इंट्रोडक्शन स्टेज पर, बट ये वाली बात कहीं नहीं हुई कॉन्ट्रोवर्सी वाली। जब अगर वो पूछते तो मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बताई हैं, मैं वो भी बताती कि सर मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। मतलब ये है कि सलमान सर तक जो बात पहुंचती है, मतलब उनको पता ही नहीं था, और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा कि सलमान खान की इमेज को लेके आप, मतलब आपको लगा कि गलत है सलमान खान की? सलमान जी खान जी की इमेज को लेके मैंने कभी किया ही नहीं, उनके जो आसपास रहते हैं उनके बारे में मैंने हमेशा बोला। सलमान जी को मैंने कभी, सलमान जी मैं तो ना, बस सलमान जी ने मेरे को धक्का मारा, ये तो फिर जब थंबनेल बनते हैं तो भैया फिर गर्दन यहाँ, सलमान जी का एक थंबनेल लगाया हुआ है उनके हाथ में, तलवार है मेरी गर्दन है, बताओ भैया इतना खतरनाक कर दिया तुमने कांड, उसको देख के मैं डर गई कि बताओ यार, खौफ खौफ सलमान खान, और भैया मगर सही से लगा लेता यार। तो चीजें आपको पता है कैसे निकलती है, क्या बोलते हैं और क्या निकल के आती है। आपकी अच्छाई आपको लेकर डूबी? कहाँ डूबी, बताइए क्या डूबा मेरा? आप जेल में रहे एक हफ्ते, तो जेल में रही तो मेरा इमोशनल आया ना बाहर। लेकिन जेल में रहकर आप ज्यादा पसंद किया बाहर आने के बाद? अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने लोग उतनी अलग अलग बातें, अभी इन्होंने बोला आपकी अच्छाई आपको जेल में लेट होगी, अभी इधर से बोली, अरे अरे प्यार से बात कर रही हूँ, ये तो मैं जो है ना आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते, ऐसी कोई बात नहीं टेंशन वाली। अब इधर से आ रहा है कि जब आप जेल में थी तो ज्यादा बढ़िया था, अच्छा तो तू जेल में रह लेती, ये बात आ रही है मेरे अंदर। तो ये जो है ना, जब ये वाले वीक में तो मैंने अपनी बलि वापस से चढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई थी, जब राशन की बात थी अविनाश के चक्कर में, मैंने कहा गॉड टाइम को बोला, टाइम गॉड को, मैंने कहा मैं चले जाती हूँ पर मेरे को लिखित में दे दो कि मेरे को इस बार जल्दी निकाल लेना गारंटी के साथ। बग्गा को मैंने शामिल कर लिया, मैंने कहा बग्गा हम चले जाते हैं, बग्गा बोला नहीं यार फिर तू रोती है जेल में, फिर मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा भैया अगर अविनाश चला गया ना तो माँ कसम राशन के चक्कर में हमें राशन ही नहीं मिलेगा। और वही बात हुई जो मैंने सारा को बोला, मैंने कहा अविनाश नहीं जाना चाहिए, देखना एक एक आटे के दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात हुई थी,
विवेन भाई ने भी मेरे को पूछा, जी जी आप जेल में जाना चाहती हूँ? मैंने कहा भैया जाना तो चाहती हूँ, पर बिग बॉस से इस बार पहले आदेश करा लेना, बहुत लंबा टाइम लेते भाई वो. लेकिन ये जो आप बोल रहे हो बाहर आने के बाद, मैं दो दिन मैंने थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश की, क्योंकि जेल में थी तो वो लोग मेरे पास आते थे, मैं बाहर नहीं आती थी. तो दो दिन मैंने थोड़ा समझा, पूरा घर समझा. और वो जो मैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया था मेरा जेल के अंदर, लास्ट जिस दिन मैं निकली, मैं उस दिन बहुत लिटरली हो गई थी, तो उससे भी थोड़ा सा मैं बाहर आई कि यार मैं पर्सनल बाहर से मैं ऐसी आई थी जूझते हुए, यहाँ पे भी मेरे साथ हो गए, ये क्या समझ नहीं आया. दो दिन मैंने लिए, लेकिन उसके बाद आई बिकेम नॉर्मल. लेकिन शायद मुझे ऐसा है कि कुछ चीज़ें शायद नहीं दिखाई गई हैं, मुझे ऐसा मन में है.